हेलो जी, कैसे हैं आप सब? आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एलिफेंटा की गुफाएं। मैं आपको एलिफेंटा की गुफाओं के बारे में कुछ रोचक तथ्य बताने जा रहा हूं। अगर आपको ये रोचक तथ्य पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं एलिफेंटा की गुफाएँ। भारत में ऐसी कई ऐतिहासिक जगहें हैं जो बेहद ही शानदार हैं और घूमने लायक हैं। ऐसी ही एक जगह है एलिफेंटा की गुफाएं, जहाँ के गुफाओं को पर्यटक बहुत ही बड़ा आकर्षक का केंद्र मानते हैं। एलिफेंटा महाद्वीप महाराष्ट्र के मुंबई शहर में स्थित गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एलिफेंटा को दारापुरी के नाम से भी जाना जाता है, जो कोंकणी मौर्य की द्वीपीय राजधानी थी। एलिफेंटा नाम पुर्तगालियों द्वारा यहाँ पर बने पत्थर के हाथी के कारण दिया गया। यहाँ अनेक देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं। पहाड़ियों को काटकर बनाई गई ये मूर्तियाँ दक्षिण भारतीय मूर्तिकला से प्रेरित हैं। यहाँ आने के बाद एक अलग ही दुनिया में आने जैसा एहसास होता है। भगवान शिव को समर्पित इन गुफाओं में भगवान शिव के 3 स्वरूपों का भव्य प्रदर्शन किया गया है। एलिफेंटा में कुल 7 गुफाएँ हैं जो भगवान शिव को समर्पित हैं। ये 60,000 वर्ग फीट के एरिया में फैली हुई हैं। बता दें कि इन 7 गुफाओं में से 5 गुफाएं हिंदू धर्म से संबंधित हैं। त्रिमूर्ति सदाशिव या 3 मुखी शिव की 6.1 मीटर ऊंची मूर्ति इनमें से सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। माना जाता है कि लगभग 8वीं शताब्दी के आसपास इन गुफाओं की खोज राष्ट्रकूट राजाओं द्वारा की गई। यहाँ मौजूद गुफा में कुल 26 स्तंभ हैं, जिनमें भगवान शिव को कई रूपों में उकेरा गया है। इनमें उनकी त्रिमूर्ति प्रतिमा सबसे आकर्षण है। पहाड़ी की चोटी पर स्थित एलिफेंटा की गुफाओं को 1890 के दशक में शुरुआत में यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया। छुट्टियों पर घूमने के लिए और ट्रैकिंग करने के लिए या फिर पिकनिक मनाने के लिए यह स्थान बिल्कुल सही है। एलिफेंटा द्वीप पर 2 मुख्य पहाड़ियाँ हैं, जिनका नाम गन हिल और स्तूप हिल है। गन हिल का नाम यहाँ पर रखी गई ब्रिटिश युग की 2 तोपों के आधार पर रखा गया, जबकि स्तूप हिल का नाम उन बौद्ध स्तूपों के अवशेषों के आधार पर रखा गया जो कि खुदाई के दौरान मिले। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? अगर पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।